नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच अखिल भारतीय रामराज परिषद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी एवं 17 संसदीय लोकसभा के प्रत्याशी अजीज कुरैशी जी हैं। तो नमस्कार अजीज कुरैशी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप शासकीय कर्मचारी रहे हैं, रिटायर होकर के आपको अपनी जिंदगी आराम से जीना चाहिए, लेकिन आप राजनीति में क्यों आते हैं? आदरणीय केशव तिवारी साहब, आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, गौ माता की जय, धरती माता की जय, और मेरे माध्यम से देश के समस्त नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज मेरा सौभाग्य है कि आपके आज इस चैनल के माध्यम से आदरणीय केशव तिवारी साहब के जानिब से मुझको आप तक अपनी बात रखने का मुझको मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय केशव तिवारी जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो ज्वलंत है और शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है। मैं बताना चाहता हूँ आपको बड़ी गंभीरता के साथ कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। शासकीय सेवा में रहकर भी समाज सेवा की जाती है, वो मैंने किया। शासकीय सेवा में रहकर लक्ष्मण रेखा होती है, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहकर मैंने समाज सेवा किया है। ये भारतवर्ष के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर और रीवा संभाग में सबको मालूम है, मैंने हद में रहकर समाज सेवा की है। और यही कारण है कि समाज सेवा का उसको जज्बा था, जुनून था और काम करने का मौका था, तो हम इसमें आए हैं और इसमें काम करके हम जो है आज हमको अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। आपकी पार्टी का नाम है राम राज्य पार्टी जी, और आपका धर्म है मुस्लिम। ये समझ में नहीं आया कि कहानी, मतलब एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति राम राज्य पार्टी में शामिल होता है और उसका लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो जाता है, ये बड़ा विरोधाभासी है। ऐसा हिंदुस्तान में देखने सुनने में बहुत कम आता है। बात सही है आदरणी, इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, किसी एक शायर ने कहा है कि इश्क जब तक न कर चुके रुसवा दोस्त, आदमी काम का नहीं होता। तो हमने रिटायरमेंट के बाद कई दरवाजों के दरवाजे खटखटाए हैं कि मुझको वहां पर कहीं तो जगह मिलेगी, और एक शायर ने फिर कहा कि कभी किसी को मुकम्मल मकान नहीं मिलता, कभी आसमान नहीं मिलता और कभी जमीन नहीं मिलती। तो मैं योग्यताधारी था, सब कुछ था एक पार्टी के कार्यकाल में जिसका मैं कार्य करता था, लेकिन जब मेरा मौका आया, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मुझको पीछे कर दिया गया और दूसरों को जो है उसमें आगे बढ़ा दिया गया। इसलिए मेरे दिल को चोट पहुंची और मैंने सोच लिया कि अब ऐसी पार्टी में जाने का काम करेंगे जहां पर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, आवाज से आवाज मिलाकर और बहुसंख्यक समाज के साथ मिलकर काम करने से ही मुझको सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने अखिल भारतीय रामराज पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? आदरणीय तिवारी साहब, चुनावी मुद्दे मेरे रहेंगे चार। पहला मुद्दा रहेगा, वो है बहुत महत्वपूर्ण, हमारे इस पार्टी के संस्थापक सदस्य आदरणीय धर्म सम्राट करप्राती जी महाराज हैं और उन्होंने इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक गौ रक्षा आंदोलन और गौओं को काटने के विरुद्ध जो है एक आंदोलन किया था, उसमें इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर गोली चलवा दिया था, गौ सेवक मारे गए थे और बहुत से गौएं मारी गई थी। तो उस लिहाज से मुझको ऐसा लगा कि हमारे मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है, बहुत अच्छा कहा मेरे नबी ने, मेरे मोहम्मद साहब ने कहा कि गाय हमारे लिए शिफा है, गाय का दूध हमारे लिए अमृत है, गाय का सम्मान करो और गाय का गोश्त कभी मत खाना, ये बीमारी की जड़ है। इसलिए हमने देखा
और मैंने देखा कि मेरा बहुसंख्यक समाज गौ को अपनी माता मानता है, तो हमने सोचा कि जब गाय तुम्हारी माता है तो मेरी माता क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, मेरी भी माता है, जितनी गाय तुम्हारी माता है उतनी गाय मेरी भी माता है। इस उद्देश्य को मैं दूसरी पार्टियों में नहीं निभा पा रहा था, मेरा दिल मचलता था, तो मैंने सोचा कि ऐ मेरे दोस्त वहाँ चल जहाँ पर तेरा गुजारा हो। तो मैं रामराज पार्टी में आ गया। मुझको यहाँ पर चार मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। पहला, देश के वे नागरिक जो भारत की एकता अखंडता और प्रभुता पर विश्वास करते हैं, हमने उनको साथ लेकर कंधे से कंधे चलना है। दूसरा मुद्दा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लोग बागों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात तक न कर सके। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ही विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि मंजिल मुझे मिले न मिले मुझे इसका गम नहीं दोस्त, लेकिन मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो रहेगा। मेरा कारवां रहेगा, मेरा रिजल्ट क्या आता है मैं उससे ज़्यादा चिंता नहीं करता। जैसा कि मुझको लग रहा है मैं उन मुद्दे आपको बता देता हूँ। पहला मुद्दा है कि संतना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हम देश की जनता के साथ साथ सतना संसदीय क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जो उनके राहत के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनको परेशानी मुक्त जीवन देने के लिए हम काम करेंगे। क्योंकि मैं शासन में था तो मुझको मालूम है। जब आपने राम राज्य पार्टी ज्वाइन की जी, तो आपको किसी मुल्ला किसी मौलवी ने समझाने की कोशिश नहीं की कि ये क्या माने आप धर्म संप्रदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसा कदम उठा रहे हैं जो अपना धर्म संप्रदाय इजाजत नहीं देता? ठीक है तिवारी साहब, आपके मुद्दे का प्रभाव हम जैसे प्रगतिशील लोगों के ऊपर और देशभक्त राष्ट्रभक्त लोग बागों पे फिसल जाता है। ये चीज वहाँ पर लागू होती है जो दिमाग से कट्टर होते हैं और पढ़े लिखे नहीं, अपनी मानसिकता से वो लोग जो है खुद परेशान रहते हैं, कुंठित रहते हैं, तो ये चीज़ उन पे लागू होती है। अजीज कुरैशी का पूरा परिवार आज से नहीं 200 साल से 300 साल से सर्वधर्म संभाव का झंडा वाहक है और हमने अपने माताजी पिताजी से सीखा है कि सबके साथ चलो और कायनात लेके साथ चलो। जातिवाद के इस दौर में आपकी चुनावी स्थिति क्या रहेगी? क्या आपका समाज आपको वोट देगा? अच्छा प्रश्न है आदरणीय। ये प्रश्न जो है मेरे ऊपर भी लागू होता है और भी उन लोगों पर लागू होता है जो मेरे साथ चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक मेरे समाज का काम है तो मेरा समाज है भारतीय समाज, मेरा समाज है प्रगतिशील समाज, मेरा समाज है राष्ट्रीय समाज। ये मैं मानता हूँ कि मैं मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन वो मैं घर तक सीमित हूँ। मैं अपने मुस्लिम समाज की इबादत नमाज रोज़ा सब मैं अपने घर तक करता हूँ। उसके बाद जब बाहर निकलता हूँ तो मैं वसुधैव कुटुंबकम हो जाता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, भारत माता की जय बोलता हूँ और राष्ट्र के गीत गाता हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम गुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। आप कभी शाखा गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा कभी गए हैं? हाँ है, हमारे भरूत नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा लगती रही हैं, तो हम वहाँ पर जाते रहे हैं और हम वहाँ पर भाग लेते रहे हैं। हमने वहाँ पर जाकर देशभक्ति सीखी, राष्ट्रभक्ति सीखी, वंदे मातरम सीखा, सब कुछ सीखा। हमको अच्छा लगता है वहाँ। अच्छा अच्छा लगता है हमको। मैंने आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीति नीति और विचारधारा से कोई तकलीफ नहीं? नहीं, काहे की तकलीफ है, वहाँ भी देशभक्ति सिखाई जाती है, वहाँ भी राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, तो मुझको पसंद है और यह मुझे कहीं कोई आज तक तकलीफ नहीं हुई। तो आपने फिर
भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी में भी मैं कुछ दिन काम किया हूँ। अच्छा, ज्वाइन किया था? हाँ, ज्वाइन किया था मैंने, और जो है उसमें मुझको अच्छा रिस्पांस भी मिला, और उसमें रिस्पांस इतना अच्छा मिला कि मैं मदरसा बोर्ड जिले का अध्यक्ष भी हुआ। वाह। और हमने काम करना शुरू किया, तो मुझसे गलती कहो या एक सही कहो कि जिले के पूरे मदरसे जो थे उनका हमने जो है वर्गीकरण शुरू किया कि कहाँ पर कितने छात्र हैं, कितनी तनख्वाह आ रही है और कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है। तो जब हमने उसका शुरू किया तो उन मदरसों में जो है ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तो पता नहीं क्या मचा हुआ है, मेरे पास इतना मोटा रजिस्टर है, उनमें पूरे जिले के मदरसों का जो है आईना मेरे पास साफ है। तो जब जो है मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के पास ये खबर पहुंची तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, कहने कुरैशी जी आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा करेंगे तो जो है मेरे पास आने वाली जो है सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो हमने कहा आपने मुझको जो है ये काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया कि आपके पास आने वाली बंद हो जाए, आप मुझको अभी हटा दो, मुझे इससे कतई गम नहीं है, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आज भी मदरसे वाले लोग बाग जो है मेरे नाम से जो है जानते हैं कि अजीज कुरैशी कोई मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हुए थे। मैं जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? आदरणीय तिवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार का जो अभी काम चल रहा है मैं इससे सहमत हूँ। ठीक चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, और मध्य प्रदेश सरकार के जो आदरणीय वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं ये एक बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, विनम्र हैं ये, और इनकी विनम्रता ही इनको मुख्यमंत्री बनाए रखे हुए है, और यदि यही विनम्रता जारी रही दोस्त तो इनको हटाना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि विद्या ददाति विनियम और राजनीति ददाति विनियम, इसलिए मुख्यमंत्री जी आगे रहेंगे। सतना के विकास से आप संतुष्ट? सतना के विकास के बारे में मेरा जो अपना मंशा है वो ये है कि विकास तो हो रहा है लेकिन धीमा है, जिस गति से होना चाहिए उस धीमा है, स्लोली है, और यदि इस विकास की गति को थोड़ी तेज कर दिया जाए, एक संरचनात्मक और सहयोगात्मक रूप से जो है यदि स्पीड पकड़ दी जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरा सपना जो है अच्छा हो जाएगा और मैं इसमें शामिल रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुरैशी जी, आप आए और आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।